हेलो दोस्तों, मैं मयंक आप सबों के बीच एक नया चैप्टर लेकर बौद्ध धर्म आपको बहुत ही मदद करेगा ये एसआई की तैयारी में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पे निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी। संसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिशिकर्मण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र करमपुत से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे, जिसे अब फल्गु नाम से जाना जाता है, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। इनके प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन।